students welcome in your science class I'm Kapsim is here for making your science easy We have started our chapter crop production In our last video we have studied about what are crops, what is agriculture what are horticulture and what are the types of crops according to their seasons in which they grow and according to the purpose for which they grow now we will study about the methods of crop production farmers do lot of work for yielding a crop what he do in the farm which steps are taken by the farmer for the cultivation of good crop we will see it. Modern agriculture is carried out in scientific and systematic way. It recognizes that for healthy growth of good output, crops require oxygen, sunlight, water, nutrients from soil, protection from weed and pest, and proper storage for after harvesting. प्लांट ग्रो करना ये इजी टास्क नहीं है आपने प्लांटेशन किया है लेकिन आपने वो प्लांट सिर्फ लगाया और छोड़ दिया तो वो अच्छे से ग्रो होगा या नहीं ये हम नहीं बता सकते हैं जो फार्मर्स है वो जो सीड्स लगाते हैं उन्हें वो अच्छे से ग्रो करते हैं बाय डूइंग डिफरेंट वर्क्स उन्हें मालूम होता है इस ग्रोथ के लिए सीड को प्रॉपर जर्मिनेशन में हमने देखा है सीड के जर्मिनेशन के लिए फोर कंडीशन नेसेसरी है कौन से वो फोर कंडीशन दे नीड प्रॉपर सनलाइट प्रॉपर वाटर न्यूट्रिएंट्स गुड सॉइल और गुड एटमॉस्फेयर एंड enough oxygen is necessary for the growth of plants yeah oxygen or we may say uh, enough carbon dioxide hai yeah, na to ye jo processes hai isme kya kya karta hai farmer वो पहले soil को prepare करता है फिर उसमें seeds डालता है फिर वो सीड अच्छे से ग्रो हो इसलिए उसे वो मैन्यंग करता है फर्टिलाइजर्स उसमें डाल जाते हैं देन उसे वाटरिंग की जाती है अब जो प्लांट आते हैं उसमें भी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं जिसे कि वीड बोला जाता है तो ये प्लांट्स निकालना भी नेसेसरी है जो प्लांट्स जो क्रॉप आया है वो प्रोटेक्ट करना नेसेसरी है फ्रॉम बर्ड्स बर्ड्स से उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है साथ ही साथ उस फॉर्म हो सकते हैं उसे डिसीजेस ऑकर हो सकते हैं तो उनसे भी उसका प्रोटेक्शन करना नेसेसरी होता है और एक बार क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाए तो उस क्रॉप को कौन से टाइम को निकालना है जिसे बोला जाता है हार्वेस्टिंग उसे निकालना और उसके को प्लांट से अलग करना ये थ्रेशिंग ये हार्वेस्टिंग एंड जो प्रोसेस है ये हमने सीखे है फिफ्थ में है ना तो ये डिफरेंट प्रोसेस उसमें आते हैं और जो क्रॉप ईल्ड किया गया है उसे प्रॉपर कंडीशन में स्टोर करना ये इतने बहुत सारे वर्क फार्मर्स को करने पड़ते हैं ये कैसे किए जाते हैं ये हम देखेंगे इट दैट द नीड ऑफ वाटर एक्सेट्रा आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप क्रॉप ग्रो होने के लिए टाइप ऑफ सॉइल भी नेसेसरी है उस फार्मर को ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए कौन से सॉइल में कौन सा वाला क्रॉप अच्छे से आएगा तो उस सॉइल के टाइप के हिसाब से वो क्रॉप सिलेक्ट करता है कौन सा क्रॉप उसमें ग्रो करना है वाटर कितना है यस yes? कौन से प्लांट को कितना वाटर नेसेसरी है ये भी नॉलेज होना नेसेसरी है और उसके हिसाब से ही वो प्लांट ग्रो किया जाता है अगर उस फार्मर के फील्ड में वॉटरिंग के डिफरेंट सोर्सेस है तो जिस प्लांट को ज्यादा वाटर की नेसेसरी है, ज्यादा की नीड है वो प्लांट उसमें ग्रो कर सकता है या फिर वो टोटली डिपेंड है रेन पे तो कौन से क्रॉप ग्रो करने हैं ये उसे डिसाइड करना पड़ता है सनलाइट एंड ईयर

ये जो टू मेन रिक्वायरमेंट्स है प्लांट के ग्रोथ के लिए उसके लिए स्पेशल इफोर्ट्स करने पड़ते हैं फार्मर को हाउएवर द फार्मर हैज टू मेक स्पेशल इफोर्ट्स द स्टेप बाय स्टेप मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर दैट टेक केयर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स आर शोन इन दिस पिक्चर These are preparation of soil, then sowing. Before sowing, seed selection is also necessary. Select the farmer, select the seed, and then they sow it in the farm. Yes, then adding manure and fertilizers. इरिगेशन मीन्स वॉटरिंग द प्लांट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम विड्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड विडिंग जो अनवॉन्टेड प्लांट्स आते हैं उनसे उन्हें रिमूव करना क्रॉप में से देन एक स्टेप यहां पे रह गई है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज़ेस जो डिसीज़ेस ऑकर होते हैं प्लांट पे उनसे प्लांट को सेव करना यू हैव टू राइट डाउन दीज स्टेप्स फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन योर नोटबुक राइट डाउन इट हार्वेस्टिंग okay, में टू अदर प्रोसेस भी आते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी थ्रेशिंग एंड विनोइंग एंड लास्ट वन इज स्टोरेज रेडउ ऑल दीज स्टेप्स दैट आर टेकन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप सी फर्स्ट स्टेप दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल

उस सॉइल को प्रिपेयर करना नेसेसरी होता है इसी सॉइल में से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए सेल्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रूट्स इसी सॉइल में से प्लांट के रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है तो उसके तो लिए इस सॉइल को प्रिपेयर करना नेसेसरी हो जाता है

रूट टू ब्रीथ इजीली प्लांट मोर फॉर्मली से जो उसमें इयर ट्रैप हो गई है वो एस्केप हो जाती है सॉरी uh, जो एयर उसे चाहिए वो मिल जाती है उसे लूज करने से विच इज यूज टू ब्रीद और ये में uh, में अगर है तो रूट अच्छे से ब्रीद कर सकते हैं लूज रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर लूज सॉइल की वजह से रूट्स जो है वो डीप जा सकते हैं सॉइल में एंड दस सिक्योर प्लांट फॉर

लूज सॉइल में अर्थ वर्म और माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो होते हैं जो पैक्ड uh, सॉइल है उसमें ये माइक्रोब्स और अर्थ वर्म अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन जो टाइटली पैक्ड सॉइल के स्टोन्स uh, है जिसे कि अगर अपने लैंग्वेज में बोला जाए तो उसे क्या बोला जाता है ढेकड़े यस yes. तो ये ब्रेक करना नेसेसरी होता है जिससे कि उसमें ऑक्सीजन एंटर करे और उसमें अर्थ वर्म्स और माइक्रोब जैसे small organisms है वो ग्रो हो सके। ये helpers है के। ये बोला जाता है। लूजिंग ऑफ सॉइल सॉइल को और लूज करने में ये हेल्प करता है और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है कौन अथवा एंड माइक्रोब्स ये ने फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल टू द टॉप न्यूट्रिएंट रिच सोइल इससे टॉप पे आ जाती है अपर साइड को आ जाती है प्लांट्स कैन देन एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रिएंट्स मोर एफिशिएंटली और इससे ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये प्लांट के रूट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं लूज सॉइल मिक्स मोर यूनिफॉर्मली विथ फर्टिलाइजर्स तो बाद में जो फर्टिलाइजर ऐड करने वाला है फार्मर फर्टिलाइजर डाले जाते हैं तो वो एड वो फर्टिलाइजर भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स के रूट के थ्रू अब ये जो Preparing of soil. ये different tools use जाते हैं प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग उडन और आयन प्लग आयन और उडन प्लग यूज किया जाता है इसके लिए जिसे की मराठी में बोला जाता है नांगर यस विच इज कोल्ड बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर ये जो प्ल है ये पहले उड़ से बना जाता था अब ये आयन से बनता है यस। yes? और अब ट्रैक्टर्स यूज किए जाते हैं फॉर प्लाइंग और फॉर लूजनिंग द सोइल आयन प्लब आर मोर पॉपुलर डेज। पहले उड़न का यूज किया जाता था अब आयन वाले ही पॉपुलर है टिल सॉइल में हैव बिग लम्स ऑफ सॉइल दिस नीड टू बी क्रश एंड सॉइल लेवल जो बिग वाले क्रम्स होते हैं जिसे हम मराठी में ढेकड़ा बोलते हैं है ना तो ये ब्रेक करना नेसेसरी होता है और उन्हें लेवल करना उस सॉइल को लेवल करना नेसेसरी होता है दिस इज डन विद हेल्प ऑफ उडन और आयन लेवलर इसके हेल्प से इसमें इस टूल को, इस को क्या बोला जाता है हो इसके हेल्प से ये लेवलिंग की जाती है फार्म में जिस फार्म में ज्यादा क्रम्प है लम्प है बिग वाले लम्ब्स है उन्हें क्रश करके उसे लेवल करने के लिए ये हो यूज किया जाता है

जो रिच पीपल है या रिच फार्मर्स है इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी अच्छी है जो पैसे जिनके पास पैसे अच्छे हैं तो वो ट्रैक्टर्स यूज करते हैं अपने फार्म में प्लाइन के लिए जो इजी मेथड है और जिससे सॉइल प्रिपेयर करना बहुत ही इजी हो जाता है लेबर भी कम लगता है कम हार्ड वर्क में ये वर्क हो जाता है ट्रैक्टर के थ्रू और इन्हें कल्टिवेटर बोला जाता है दिस कल्टीवेटर्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर प्रिपेयरिंग द सोइल आफ्टर दिस विच विच स्टेप कम्स सोइंग ऑफ सीड्स सोइल सीड्स सो करने से पहले फार्मर्स सीड को सिलेक्ट करते हैं गुड क्वालिटी के सीड सिलेक्ट किए जाते हैं ये गुड क्वालिटी के सीड कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं इसके लिए एक मेथड है वाटर तो लिया जाता है बीकर में या किसी कंटेनर में और उसमें सीड डाले जाते हैं जो गुड वाले सीड है वो सिंक डाउन होते हैं और जो डैमेज वाले सीड्स है वो फ्लोट होते हैं इस तरह से वो गुड क्वालिटी के सीड सिलेक्ट करते हैं और उन्हें सो किया जाता है पार्म में वंस द सोइल इज प्रिपेयर सीड्स आर सोन इट सोइंग सम पॉइंट्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड सीड्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेस इसे ही बोला जाता है सीड सिलेक्शन गुड क्वालिटी के सीड्स सिलेक्ट किए जाते हैं सो करने के लिए दे मस्ट बी प्लांटेड एट द प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल वो जो सीड्स लगाए जाते हैं वो प्रॉपर डेप्थ की कितने नीचे तक वो डालने हैं वो सीड कितने नीचे तक डालने हैं ये भी उस फार्मर को मालूम होना चाहिए इफ प्लांटेड डीप इन द सॉइल दे कैन नॉट रिस्पायर एंड देयर शूट्स मे बी मे नॉट बी एबल टू पुश थ्रू द सॉइल बहुत नीचे अगर गए जो सीड्स डाले गए है वो बहुत नीचे तक गए तो वो नहीं कर, सकते नहीं कर सकते है और बाहर आने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा करना पड़ता है उस प्लांट को तो वो प्लांट में भी ग्रो नहीं हो सकता है है ना इफ तो प्लांटेशन ऑन द दे सर्फेस दे

इफ देयर इज टू मच वॉटर सीड विट प्रॉपरली अब सीड के जर्मिनेशन के लिए हमने देखा है, है इसीलिए रेनफॉल के बाद ही ये सोइंग करते हैं सोइल को पहले प्रिपेयर किया जाता है और जब रेनफॉल होता है जून में यस? स्टार्टिंग uh, मानसून में जब रेनफॉल होता है तो इस रेनफॉल की वजह से उस सॉइल को इनफ मॉइस्चर मिल जाता है जब वन और टू रेनफॉल होने के बाद ही फार्मर्स फील्ड में सोइंग uh, करते हैं। जो फार्मर के स्टूडेंट्स हैं, फार्मर के चिल्ड्रन हैं, उन्हें मालूम होगा आफ्टर वन और टू रेन सोइंग की जाती है फार्म में है ना मत ये जो सीड्स हैं इन्हें ज्यादा वाटर की भी नेसेसरी नहीं है तो थोड़ा सा रेनफॉल होने के बाद ही ये ग्रो किए जाते हैं अब इन सीड को प्रॉपर डिस्टेंस में ही लगाना नेसेसरी है सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस इफ दे आर टू क्लोज दे विल नॉट गेट इनफ वाटर एंड सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स इफ दे आर टू

पे लगाए तो ये पॉसिबल नहीं है तो वेस्टेज ऑफ़ स्पेस भी नहीं होने देना है और उन्हें इनफ़ सभी प्लांट को इनफ़ सनलाइट इनफ़ वाटर और इनफ न्यूट्रिएंट्स भी मिले ये भी देखना है इसलिए ये जो प्लांट्स है उन्हें प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाया जाता है सीड्स कैन बी सोन मैन्युअली और बाय ड्रिल दे आर सोन मैन्युअली बाय स्प्रिंकलिंग ये सीड्स जो है वो बाय पर्सन लगाए जाते हैं जिसे मैन्युअली बोला जाता है ना या फिर इसके लिए कुछ मशीन भी यूज में लाए जाते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग जब वो हाथ से लगाए जाते हैं कोई फार्मर या फार्मर लेबर लगाते हैं उनके फील्ड में फॉर सोइंग द सीड्स तो जब ये हाथ से लगाए जाते हैं इसे बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग वॉट इज इट से ब्रॉडकास्टिंग इट हैज द डिसडवांटेज दैट सीड्स आर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड तो ये सीड लगाने के लिए एक ट्रेडिशनल टूल यूज किया जाता है सीड ड्रिल इट हैज

ट्रैक्टर सीड्स आर पुट इन टू फन एज दीड्स बाई इस फल में वो सीड डाले जाते हैं और इसे एनिमल के हेल्प से आगे चलाया जाता है जिसे कि उस जो पाइप नीचे लगाए है उस पाइप में से ये सीड

में डालने के बाद इसके ऊपर सॉइल भी आ जाती है इस इक्विपमेंट के थ्रू जिससे कि वो सीड्स बर्ड्स को नजर ना आए बर्ड्स उन्हें ना खा सके दिस देम फ्रॉम बीइंग बाय एज इन राइस टोमेटो ओनियन चिली एंड ब्रिंजल सीड्स सीड्स आर नॉट डायरेक्टली प्लांटेड इन द फील्ड

और उन्हें ग्रो किया जाता है वो छोटा सा प्लांट ग्रो होने के बाद वहां से निकाल के वो फील्ड में लगाया जाता है बाय पर्संस जो छोटा प्लांट ग्रो होता है नर्सरी में उसे बोला जाता है सीडलिंग क्या बोला जाता है उसे सीडलिंग आफ्टर दे हैव Grown इन स्मॉल प्लांटलेट दे आर कॉल्ड सीडलिंग्स दिस सीडलिंग्स आर देन ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड ये प्लांट में लगाए जाते हैं ऐसा करने से क्या होता है जो अच्छे वाले सीड्स है वही जो ग्रो हो सकते हैं वही फील्ड में लगाए जाते हैं वो सीडलिंग आने के बाद ही फार्म फार्मर उसे फील्ड में लगाता है है ना द नेक्स्ट स्टेप इज टू एडिंग मैन्यूअर्स जब ये सीड्स लगाए जाते हैं तो मैन्यूरिंग करना नेसेसरी होता है प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिय फॉर growth they get these nutrients from the soil therefore by the time a crop is harvested it has taken away some of the nutrients present in the soil this way the nutrients get used up if land is cultivated for long time this causes the crop yield to start falling जो प्लांट ग्रो होता है वो सॉइल में का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है और बाय द टाइम हर साल या हर सीजन में ये फार्मा प्लांट्स ग्रो करता है तो उन उन प्लांट्स से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल में से तो सॉइल में और न्यूट्रिएंट्स डालना नेसेसरी हो जाता है दिस इज वे न्यूट्रिय गेट यूज अपटेड फॉर लॉन्ग टाइम दिस कॉज द क्रॉप टू स्टार्ट फॉलिंग दिज न्यूट्रिय नीड टू बी रिप्लानिश फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर ये न्यूट्रिय सॉइल में के न्यूट्रिय कम होते गए तो उस सॉइल में प्लांट ग्रो नहीं हो सकते हैं अच्छे से उन्हें न्यूट्रिय नहीं मिलता है क्रॉप का जो यील्ड है वो कम कम होता जाता है ये ना हो इसलिए इसे रिप्लेनिश करना नेसेसरी है टाइम टू टाइम उसमें और न्यूट्रिएंट्स डालना नेसेसरी है तो कैसे डाले जाते हैं ये दिस कैन बी डन आइदर बाय नेचुरल मेथड और बाय एडिंग मैन्यर्स एंड फर्टिलाइजर्स ये बाय नेचुरल मेथड किया जाता है या फिर उसमें हाथ से

फिर से उसमें ह्यूमस आ जाए फिर से वो न्यूट्रिएंट हो जाए इसके लिए उस फार्म को ओपन रखा जाता है तो उसमें क्रॉप्स नहीं लगाए जाते हैं वन और टू सीजन के लिए उसे खुला छोड़ा जाता है उसे यूज में नहीं लाया जाता है ये नेचुरल मेथड है ड्रेड टू अपलो इसे सिर्फ फ्लो किया जाता है और ऐसे ही छोड़ा जाता है सॉइल को लूज बनाया जाता है जिससे कि वो माइक्रोब्स उसमें चले जाए या फिर अर्थ उसमें ग्रो हो और ये अपने आप मैन्योर हो जाए सीड्स आर पुट इन टू द फनल एज प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर दैट कलेक्ट ऑन द लैंड आर डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स डेड प्लांट्स एनिमल्स और अदर जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में का वो कलेक्ट होके सॉइल को डिकम्पोज करता है माइक्रोब्स उन्हें डिकम्पोज करते हैं जिससे कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं दिस इज द नेचुरल मेथड देन क्रॉप रोटेशन और नेचुरली इस सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए और एक मेथड है क्रॉप रोटेशन Each crop uses more of some nutrients and less of others. Farmers therefore change their crop in each season so that the soil is not depleted of any particular nutrients. This is called crop rotation. Farmers johe one type kahi crop. हर बार नहीं लगाना है फील्ड में यस yes? उसे चेंज करना है एक बार कॉटन लगाया तो नेक्स्ट टाइम वीट लगाओ ज्वार लगाओ बाजरा लगाओ ये डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स कल्टीवेट करने हैं क्योंकि प्लांट वन टाइप का प्लांट सम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं उस प्लांट के लिए जो नेसेसरी है वो वाले न्यूट्रिएंट्स वो एबजॉर्ब करते हैं सॉइल में से और बाकी के न्यूट्रिएंट्स एज इट इज रहते हैं में तो दूसरे दूसरे टाइप का क्रॉप अगर लगाया तो उस क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट है मे बी वो प्रेजेंट होंगे सॉइल में और वो एब्सॉर्ब करेंगे और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप ने एबजॉर्ब कर लिए है वो फिर से ऐड हो जाएंगे सॉइल में इसे बोला जाता है क्रॉप रोटेशन एक जैसा प्लांट ने, एक जैसे क्रॉप हर बार नहीं लगाने हैं चेंजिंग रोटेशन रखना है फॉर एग्जाम्पल वीट और राइस यूज अप लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल वीट और राइस जो है वो नाइट्रोजन यूज करते हैं सॉइल में का दिस नाइट्रोजन कैन बी नेचुरली रिप्लेनिस्ड इफ नेक्स्ट क्रॉप ग्रोन इन दैट ऑफ लेगम लाइक पी और ग्राउंड अगर उस सॉइल में राइस के कल्टीवेशन के बाद पी और ग्राउंडनट का कल्टीवेशन किया जाए पी को या ग्राउंडनट को उस सॉइल में ग्रो किया जाए तो नाइट्रोजन उस सॉइल में नेचुरली आ जाते हैं यू आर रीड इन क्लास सेवन दैट बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स This can fix atmospheric फिक्स to नाइट्रोजन टू फॉर्म nitrogen compounds नाइट्रोजन कंपाउंड क्लास में सीखा है जो नोडुल्स पे कौन से प्लांट के लेग्यूमिन प्लांट के नोडुल्स पे राइजोबियम प्रेजेंट होता है है ना जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है यस yes? राइजोबियम ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ईयर में सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है हमने सीखा है ये नाइट्रोजन सॉइल में मिक्स करने का काम ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता है जो कि प्रेजेंट होता है लेग्युमिनियस प्लांट पे लेग्युमिनियस प्लांट्स बोले तो पल्सेस वाले जो प्लांट है वो लेग्युमिनियस प्लांट्स होते हैं पी या मूंग दाल इनके जो प्लांट्स हैं ये लेग्यूमनास प्लांट्स है साथ ही साथ ग्राउंड नट ये भी लेग्यूमनास प्लांट है तो इस प्लांट के रूट नोड्यूल्स के पास रूट के नोड्यूल्स के पास ये राइज़ोबियम प्रेजेंट होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड में वो कन्वर्ट करता है जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन अपने आप आ जाता है तो नेक्स्ट टाइम ये प्लांट ग्रो होने के बाद फिर से हम उस फार्म में व्हीट या राइस लगा सकते हैं जिसे नाइट्रोजन नेसेसरी है इसे नेचुरल ने बोला जाता है कौन कौन से से नेचुरल मेथड फर्स्ट तो है फील्ड तो को ओपन रखो कोई भी क्रॉप ना लगा के सेकंड है क्रॉप रोटेशन क्रॉप को रोटेट करो तो देन क्रॉपिंग

ट क्रॉप आर ऑल्सो ऑफन ग्रोन टूगेदर तो ये नॉलेज फार्मर को होना नेसेसरी है कौन से प्लांट को कौन सा न्यूट्रिय लगता है और वो न्यूट्रिएंट सॉइल में अपने आप कौन से प्लांट से आ जाता है अगर वीट का प्लांट पीस के साथ लगाया जाए या फिर सोयाबीन के साथ लगाया जाए या फिर ग्रीन बीन्स के साथ लगाया जाए तो जो न्यूट्रिएंट्स वीट से लिए जाते हैं वीट को कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा लगता है नाइट्रोजन यस और ये नाइट्रोजन जो वीट एब्सॉर्ब करता है सॉइल में से तो ये सोयाबीन पी या ग्रीन बीन्स के प्लांट उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन से फिर से में मिक्स कर देता है तो वो फिर से न्यूट्रियस हो जाती है वो सॉइल तो ये नॉलेज उस फार्मर को होना नेसेसरी है या फिर कॉटन और ग्राउंडनट का भी क्रॉप एक साथ लगाया जाता है yes? नाइट्रोजन लगता है और ग्राउंड नाइट्रोजन को फिर से रिप्लेस करता है सॉइल में तो ये एक साथ लिए जा सकते हैं जिससे कि फार्मर को प्रॉफिट भी हो और सॉइल भी न्यूट्रियस रहे हाउ टू दीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्य एंड फर्टिलाइजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम लेकिन फिर भी क्रॉप्स ये न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स तो उसमें से लूज हो जाते हैं उस सॉइल में से तो बाय हैंड अदर न्यूट्रिएंट्स उसमें डालना नेसेसरी है फर्टाइल सॉइल उस फील्ड में डालना नेसेसरी है तो इसके लिए दूसरी मेथड यूज की जाती है एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स मैन्यूर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑप्टेंड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट ग्रीन मैन्यूर्स इज मेड फ्रॉम क्रॉप ग्रोन स्पेसिफिकली टू बी प्लग इन टू द सॉइल वाइल स्टील ग्रीन रेग्रास टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मैन्यूअर्स ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं जो कि पाए जाते हैं डेड प्लांट से या एनिमल के वेस्ट से एनिमल डंग जो होता है मैंने आपको बोला था गोल्ड मैन्युअर एनिमल के डंग से स्पेशली केटल के डंग से काउ बफेलो ऑक्स इनका जो डंग है उससे गोल्ड मैन्योर बनाया जाता है जिसे हम मराठी में बोलते हैं शेनखत जो बहुत ही यूजफुल है प्लांट्स के लिए या तो वो यूज किया जाता है या फिर डेड प्लांट्स भी उसमें ऐड किए जाते हैं कौन से वाले डेड प्लांट्स देखो जो कि ग्रीन हैं डेड <coughs> होने के बाद भी वो ग्रीन रहते हैं फॉर एग्जांपल लेग्यूम्स लेग्यूम्स अभी बताया मैंने आपको पल्सेस के जो प्लांट्स है वो है साथ ही साथ ग्राउंड नट का भी प्लांट जो है वो लेगुमेन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है देन यस yes, वे वाला ग्रास वो भी ऐड करता है और फेनीग्रिक जिसे हम मेथी बोलते हैं वो भी में, में मैन्योर ऐड करता है this improves the fertility of the soil animal manure consists of animal waste compost is the manure um, obtained by the decomposition of dead plants and animal waste compost is made by burying all available organic material in a pit with the alternating layers of soil एंड लिविंग इट टू रॉट कंपोस्टिंग की जाती है जो एनिमल डंग होता है और जिसे हम वेट गार्बेज बोलते हैं यस ड्राई गार्बेज एंड वेट गार्बेज टू टाइप बनाए हमने या फिर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल तो बायोडिग्रेडेबल वाला जो वेस्ट है यस yes? तो वो वेस्ट और एनिमल डंग साथ ही साथ यूज करके ये कंपोस्ट बनाया जाता है एनिमल डंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाले जाते हैं और उसके ऊपर सॉइल का लेयर डाला जाता है फिर से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एनिमल डंग फिर से उस पर सॉइल का लेयर ऐसे एक पिट में कलेक्ट किया जाता है और वहाँ पे बनाया जाता है कंपोस्ट बैक्टेरिया एंड फंगी इन दिएयर ऑफ दॉल स्पीड अपन में जो bacteria और फंगी है मिक्स हो जाते हैं कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बट नॉट इन सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिय लाइक नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड पोटेशियम अब ये जो कॉम्पोस्ट है ये इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो सभी होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को नेसेसरी है वो उसमें नहीं होते तो ये कंपोस्ट नेसेसरी है साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स डालना भी नेसेसरी है एन पी के ये जो फर्टिलाइजर्स है नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड पोटेशियम सिंबल फॉर नाइट्रोजन में हमने सब्सटेंसेस uh, के सिंबल्स देखे थे नाइट्रोजन का सिंबल है फॉस्फरस का है पी और पोटेशियम का है के तो ये जो यन पी के है ये फर्टिलाइजर्स के थ्रू सॉइल में ऐड किए जाते हैं यस yes? फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स को स्प्रेड करते हैं फार्म में यूरिया अमोनियम सल्फेट पोटेशन सुपरफॉस्फेट आर सम ऑफ द फर्टिलाइजर्स बाय इसमें से नाइट्रोजन, समर्टिलास और पोटेशियम जैसे सॉल्ट सॉइल में ऐड हो जाते हैं फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेडकेमिकल सबसे न्यूट्रियेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ the most widely used fertilizers are NPK fertilizers that are rich in nitrogen phosphorus and potassium okay initial se hi ye naam banaya gaya NPK they are easy to store and handle since they are soluble in water ये जो फर्टिलाइजर्स है वाटर में सोल्यूबल है उन्हें स्प्रेड करना भी इजी है

आने के लिए हेल्प करते हैं हाउ एवर इफ ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर दे हार्म द सॉइल बाय मेकिंग इट पोरस ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से सॉइल पोरस बनती है और वो हार्म करते हैं प्लांट को एक्सेस फर्टिलाइजर्स गेट वॉश इनटू वाटर बॉडीज एंड हार्म एक्वेटिक एनिमल्स आल्सो एक्सेस वाले जो फर्टिलाइजर्स यूज गए यूज़ किए गए हैं सॉइल में सॉइल प्लस होने के बाद वो, वो, वो वाटर बॉडीज में मिक्स होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स को भी वो हार्म करते हैं फर्टिलाइजर्स इन फैक्ट्रीज बट मैन्यूअर कैन बी प्रिपेयर फार्मर्स नॉर्मली यूज कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स इन विच ग्रास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट ट इज इन विच ग्रास ग्रास जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाले सीड्स हैं ग्रास शो हेल्थियर सीडलिंग अब फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स के बाद ये फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में ग्रो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं मैन्युअर्स ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जाते हैं तो ये मैन्योरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो है इरिगेशन जैसे हमारे बॉडी को नीड है वाटर की वैसे ही प्लांट को भी वाटर की नीड है तो आगे के जो स्टेप्स हैं फार्मिंग के वो हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में